नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और फिल्म का रिव्यू लेकर। और फिल्म का नाम है छिछोरे। फिल्म छिछोरे, नाम से ही लगता है कि फिल्म कितनी छिछोरी होगी, पर छिछोरी फिल्म नहीं बल्कि छिछोरी दोस्ती है। छिछोरे फिल्म में दोस्ती, धमाल, मस्ती आपको फुल टू देखने को मिलेगी। छिछोरे की कहानी कुछ आप लोगों की कहानी है, यानी कि आपकी दोस्ती की कहानी, आप जैसे लंगोटिया यार की कहानी। दुख में तो घर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुख में आपकी टांग ही खींचेंगे। फिल्म की कहानी यारी दोस्ती के साथ ही लूजर न बनने की मानसिकता से दूर रहने का संदेश देती है। फिल्म में कॉलेज के दिन है, यारी दोस्ती का मजा है, हॉस्टल लाइफ है और खेल में सब कुछ दांव पर लगाना है। ट्रेलर जब लॉन्च किया गया तब उसमें दोस्तों का खूब आतंक देखने को मिला। अरे सोना कब है, उठना कब है, ये तो इन छिछोरे दोस्तों को पता ही नहीं होता। दोस्त एक दूसरे पर पानी डालते हैं, एक दूसरे के कपड़ों से छेड़छाड़ करते हैं, मतलब जो दोस्ती में लोग खुलकर करते हैं या कभी कभी छुप छुप कर भी कर लेते हैं, ये सब इस छिछोरे फिल्म में दिखाया गया है। इस तरह दंगल फिल्म डायरेक्टर ने संदेश के साथ ही हल्की फुल्की फिल्म देने की कोशिश की है। फिल्म की कहानी की यदि बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की कहानी से इसकी शुरू होती है। वह हॉस्पिटल में है और लूजर कहलाने से डर की वजह से उसका हाल ऐसा हुआ है। फिर सुशांत सिंह बेटे को ठीक करने के लिए अपनी लूजर टीम की कहानी सुनाते हैं, जिसमें सुशांत और अपने दोस्त वरुण शर्मा, ताहिर राज भसीन, तुषार पांडे और नवीन पोली शेट्टी की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह सुशांत कॉलेज में आते हैं और लूजर्स के हॉस्टल में जगह मिलती है। शुरू में सुशांत हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्हीं लूजर्स के साथ उनका मन लग जाता है। फिर आता है हॉस्टल में चैंपियनशिप का मौका, जिसे हारने की वजह से ही उन्हें लूजर कहा जाता है। सुशांत और उनके दोस्त इस कहानी के साथ बेटे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह रितेश तिवारी ने छिछोरे को एक इंस्पिरेशनल फिल्म बनाने की कोशिश की है और इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बच्चों को सिर्फ जीतने की ही नहीं, अगर वह हारते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए वह भी समझना चाहिए। मतलब दोस्त है तो जहां है, यही है इस फिल्म में। इसी कड़ी में आज जब बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म रिलीज की गई तो टैलेंटेड इंडिया के संवाददाता सुबह से ही वहां पहुंच गए और वहां दर्शकों से यह जानने की कोशिश की कि उन्हें यह छिछोरे दोस्ती कैसी लगी। तो आइए जानते हैं पब्लिक रिव्यू। तो बहुत सारे यूथ जो है आज इस मूवी को देखने आया, जानते हैं इनसे रिव्यू कैसी लगी इन्हें मूवी। मूवी बहुत अच्छी थी। सबसे बढ़िया एक्टिंग किसकी लगी आपको? इस सबने एक बंच में काम किया है तो हम ऐसा नहीं कह सकते किसी एक की मूवी ज्यादा, मतलब रोल ज्यादा अच्छा था, सबका रोल बहुत अच्छा था, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, इसलिए इसने एक बंच में बहुत अच्छा मूवी आया है। दोस्तों के लिए अच्छी मूवी जी, दोस्तों के लिए है, सोशल मैसेज है, सभी रूप से देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छी है। 5 स्टार में से कितने देंगे आप? मैं तो 4.8 दूंगा। 4.8 है, इनसे पूछते हैं ये भाई साहब आपसे ही बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी लगी। बहुत बढ़िया एक्टिंग किसकी लगी आपको? सबसे बढ़िया एक्टिंग बंडी। ऐसा और कोई सा गाना होना याद है कि नहीं? नहीं, गाना अच्छा, सभी गाने अच्छे थे। लोगों को देखने आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आने चाहिए। कितने नंबर देंगे? 4.8। 4.8। और भी ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे, यूथ है पूरा, इनसे सबसे बात करते हैं हम। आपको कैसी लगी? मूवी बहुत शानदार थी, सबके रोल अपने अपनी जगह पे अच्छे थे और सबसे अच्छी बात इस पे ये देखने को मिली कि जो JEE वगैरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं उसमें फेलियर मिलते हैं, इनको अच्छी ट्राई करते हैं बट फेल हो जाते हैं, उसके बाद उन लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि हम फेस कैसे करेंगे। अच्छा, अच्छा। तो इसमें ये सबसे अच्छी बात बताई गई है कि हार जीत कोई मायने नहीं रखती, अपनी कोशिश जो करते हैं अपन वो मेन है अपने लिए। क्या बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हरिवंश राय जी ने बहुत पहले ये कविता लिख दी थी और इसी को बताया दोस्तों ने कि लूजर ना बनो, शायद यही मैसेज है। कितने नंबर देंगे आप इसे? मैं इसको दूंगा 4.8। 4.8। और एक्टिंग आपको किसकी अच्छी लगी? सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट थे, अगर कोई एक भी कम होता तो शायद मूवी उतनी खास नहीं हो पाते। चलिए एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम दूसरों से पूछते हैं, आपको कैसी, किसकी एक्टिंग किसकी बढ़िया लगी? सभी की एक्टिंग अच्छी थी, ओवरऑल सभी की अच्छी। हाँ, सभी की। मतलब एक अच्छा मसाला डोज है। हाँ। और अगर हम इसे पुरानी 3 इडियट से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या कहेंगे?
उससे बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। अच्छा, वो भी अपनी जगह। स्टार में से कितने नंबर? 4। 4। लोगों को देखने आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो युद्ध का कहना है लोगों को देखना चाहिए। कुछ गर्ल्स भी आई हैं मूवी देखने के लिए, इनसे भी हम रिव्यू लेंगे। ये एक लूजर ना बनने की कहानी है। हाँ। तो ऐसी भी 3 Idiots भी आई थी। हाँ। तो ये मूवी स्टोरी अच्छी है। हाँ, स्टोरी अच्छी। देखने आना चाहिए। हाँ, आना और चाहिए। सबसे बढ़िया एक्टिंग किसके लिए? मेन हीरो जो था सुशांत सिंह। हाँ, सुशांत सिंह। 5 Stars में से कितने नंबर? 4। 4। तो 4 रेटिंग दी है। और भी इनसे बात करते हैं, कैसी मूवी थी? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत बढ़िया मूवी थी और मैं तो पूरे स्टार देना चाहूँगा। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप के ऊपर है। सबसे बढ़िया एक्टिंग तो श्रद्धा कपूर की सबसे अच्छी लगी मुझे, और भी लोगों की है बाकी। हाँ, यूथ के लिए बहुत अच्छी मूवी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बिल्कुल आना चाहिए। और ये भी गर्ल्स हैं, सबसे अच्छी एक्टिंग सुशांत की। हाँ बिल्कुल देखने आना चाहिए, बिल्कुल। इनसे बात करते हैं, आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत ही मोटिवेशनल, स्पेशली जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। सबसे बढ़िया किसकी है? सुशांत एंड सेक्सा दोनों के। 5 Stars में से कितने नंबर? 4। बार बार देखने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक 2-3 times इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी इंसान डीमोटिवेटेड है आई फील वो मोटिवेटेड फील करेगा। बिल्कुल, हर एज उम्र के लिए, हर एज उम्र के लिए। तो यूथ जो है बड़ा पसंद कर रहा है इस मूवी को और सभी को अच्छी लग रही है। और भी कुछ लोगों से राय लेते हैं। मैडम कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी है। एक्टिंग किसकी अच्छी है? एक्टिंग सेक्सा की बहुत अच्छी है। मैं 4 दूंगी। और आपको मैडम कैसी लगी? बहुत अच्छी। और वही सवाल, एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? एग्जैक्टली सेक्सा। और ये बताइए 5 Stars में से कितने? 4। तो इसमें ऐसा क्या है, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि लूजर नहीं, एक मतलब जीवन में जीत ही सब कुछ नहीं होते, तो हार भी जाए तो ऐसा सहारा देना चाहिए, तो ऐसा कुछ है? ऐसा है कि लाइफ में दूसरा मौका भी देना चाहिए, शायद जीत भी मिल जाए। हारने के बाद भी हम एक्चुअली कोशिश तो नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे ही कुछ मैसेज जी सर। तो युद्ध जो है बड़ा पसंद कर रहा है, पारिवारिक फिल्म के बारे में भी बताया जा रहा है। कुछ और भी साथी हैं जो इस मूवी को देखने आए थे, आइए उनसे भी बातें करते हैं। है कुछ फ्रेंड सर्कल के लायक इसमें? फ्रेंडशिप पर ही बेस है मूवी, और मोटिवेशन बहुत है, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स फेस करना चाहिए और कैसे मतलब हैंडल करने सब कुछ। 4.5। ये बताया जा रहा है कि जैसे एक जो जीता वही सिकंदर एक मूवी थी आमिर खान की, उसके बाद 3 Idiots आई थी अभी। हाँ। फिर आमिर खान की, तो उसका कॉकटेल बता रहे हैं इस फिल्म को। हाँ, ये कॉलेज लाइफ के ऊपर पूरी है, मतलब पूरी दिखा रहे हैं सब कॉलेज लाइफ की जैसा, तो उस बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है। हाँ। तो मतलब इसका एक मैसेज क्या आता है बाहर इसमें से? पूरी हॉस्टल लाइफ दिखाई है सब, कॉलेज लाइफ कैसी है, मतलब फेलियर होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, पूरा ग्रुप अच्छा था। हाँ, ये मूवी देखने आना चाहिए। 5 Stars में से कितने नंबर? 4.5। आप कितने? 4.6। 4.6 भाई, 5 Stars में से 4.8, 4.6 नंबर मिल रहे हैं, 4.5 मिल रहे हैं, 5 नहीं मिले, लेकिन इसे कतई ये ना माना जाए कि मूवी अच्छी नहीं है। दरअसल उन लोगों को ज़्यादा मूवी अच्छी लग रही है जो अभी यूथ है, जो हॉस्टल्स में रह रहा है, और वो उसे फिल्म में ही अपना प्रतिबिंब देखते हैं और ये कहते हैं कि जो है हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार जो है वो असफलता केवल इस बात की बात का प्रमाण है कि सफलता का प्रयत्न मन से नहीं हुआ, लेकिन दिल से ना हारें। और ये था फिल्म छिछोरे का हमारा पब्लिक रिव्यू। अब दीजिए मुझे यानी कि निमिष भंसाली को कैमरामैन प्रतीक सोलंकी के साथ टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ के लिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।